नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है इंटरव्यू क्वेश्चन व्हाई शुड वी हायर यू। ये सवाल हर एचआर हायरिंग एम्प्लॉय से पूछता है कि आखिर आपको क्यों हायर किया जाए, आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि आप हमारे कंपनी के एम्प्लॉय बन सकते हैं। यहाँ आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट डालते वक्त ये भी मेंशन करती है कि वो किस पोजीशन के लिए हायर करेगी और ये भी मेंशन करती है कि उस पोजीशन से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि कंपनी आखिर क्या चाहती है और आपसे क्या काम करवाना चाहती है। फिर ये एनालाइज कीजिए कि क्या आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी नॉलेज उस प्रोफाइल के रिलेवेंट है या नहीं। जब इंटरव्यू में आपसे यह सवाल पूछा जाए कि आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि आपको इस पोजीशन के लिए रखा जाए, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपने पहले रिलेवेंट फील्ड में कितना काम किया है और किस तरह से काम किया है। आपको स्पेसिफिकली ये भी बताने की ज़रूरत है कि पिछली इंडस्ट्री में काम करते वक्त आपको क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई थी उस डोमेन में जिस डोमेन में कंपनी हायर करना चाहती है, और किस तरह से आपने उस प्रॉब्लम का रेक्टिफिकेशन निकाला था अपने दम पे। जब आप इस वे में इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करते हैं तो इंटरव्यूअर टास्क ओरिएंटेड होकर सोचता है। इंटरव्यूअर भी ये सोचता है कि क्योंकि आप सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में डील कर चुके हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप कॉन्फिडेंटली उस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ये तरीका होता है इंटरव्यूअर को बताने का कि आप केपेबल हैं उस प्रोफाइल को पकड़ने के लिए जिस प्रोफाइल के लिए हायरिंग चल रही है। इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास रिलेवेंट सर्टिफिकेशन होने चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय फ्रेशर है तो उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, उससे सिर्फ उसकी नॉलेज और बुकिश लर्निंग के अकॉर्डिंग ही सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है उससे ज़रूर ये पूछा जाता है कि उसने एग्जैक्टली किसी टास्क को कैसे एकम्प्लिश किया। फिर ये इम्पॉर्टेंट तो होता ही है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी पोस्ट ग्रेजुएशंस क्या हैं, लेकिन साथ साथ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि किस तरह से उसने किसी पर्टिकुलर फील्ड में आ रही समस्याओं का समाधान किया, किस तरह से अपना ब्रेन यूज़ किया। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका उसके अंदर एक्सपीरियंस भी है तो अच्छी बात है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर रिलेवेंट फील्ड की आपने सर्टिफिकेशन कर रखी है तो ये एक एडेड बेनिफिट होता है। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को हायरिंग मैनेजर्स इस नज़र से देखते हैं कि वो एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है और उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी, और अगर इसके साथ आपके पास रिलेवेंट फील्ड का सर्टिफिकेट है तो वो एक एडिशनल बेनिफिट है। किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में ग्रोथ के टर्म्स में सर्टिफिकेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो बेहतर है कि साथ के साथ आप अपने सर्टिफिकेशंस भी बढ़ाइए। किसी पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए और उस पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ी हुई मैक्सिमम सर्टिफिकेशंस कर लीजिए। हायरिंग मैनेजर्स ये चीज़ खास तौर पर देखते हैं कि एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप जॉब ढूंढ रहे हैं उसकी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए इस बात को वैलिड करने के लिए कि हाँ आपने काम किया है, आपके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज है और आप राइट कैंडिडेट हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करने के लिए जिसके लिए एडवर्टीजमेंट निकला है। इसके साथ साथ आपके अंदर वोकल एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए ताकि आप प्रॉपरली और सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन कर सकें कि किस तरह से आपको रिलेवेंट फील्ड में लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आई थी और किस तरह से आपने उनका रेक्टिफिकेशन फाइंड आउट किया था। अपनी प्रीवियस कंपनीज की अकम्प्लिशमेंट्स बताते वक्त आपको ब्रीफ रहना है। आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स बताए बिना सिर्फ वो बताना है जो ज़रूरी है। सिर्फ प्रॉब्लम्स बतानी है और ये बताना है कि स्पेसिफिकली आपने क्या स्टेप्स लिए उन प्रॉब्लम का राइट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। यही कुछ चीजें आपको इंटरव्यू में सक्सेस दिला सकती हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके रिटर्न में जो टिप्स मैंने अभी आपको बताई उसे अगर आप सिस्टमेटिकली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हायरिंग मैनेजर की आप फर्स्ट चॉइस बनेंगे। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA। इसका तात्पर्य है इंजीनियर पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।